हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो कि है टिश्यू सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लेके आने के लिए, तो आज मैं हाजिर हूँ इस वीडियो लेक्चर को लेके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने तीन चीज़ें मैंने रखी हैं। पहला तो है मेरा फिंगर, दूसरा है वाइट बोर्ड मार्कर पेन, एंड थर्ड है ये ग्रीन लीव्स। तो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों चीज़ में क्या डिफरेंस मैटर कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे तो इसके बहुत सारे डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर मैं अपने फिंगर की बात करूं तो इसका जो मेन फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, जो तीनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, वो है इसका लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। अगर मैं अपने फिंगर्स की बात करूं तो मेरे फिंगर्स क्या हैं, एक लिविंग थिंग के पार्ट हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन क्या है, एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है। अब हम बात करते हैं इस ग्रीन लीव्स की। तो जब तक ये लीफ ग्रीन है तब तक तो ये लिविंग कॉम्पोनेंट में डिसाइड होगी, लेकिन जैसे ये लीव्स ब्राउन में चेंज हो जाएगी तो ये लीव्स किस में कन्वर्ट होगी, फ्रॉम लिविंग टू डेड कंडीशंस। तो अगर ये लीफ डेड कंडीशंस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग। तो हमने ये देखा कि किस तरह से ये तीनों मैटर आपस में डिफरेंस थे ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशंस। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या फैक्टर है जो एक लिविंग कॉम्पोनेंट को नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से डिफरेंशिएट करता है। तो वो फैक्टर है सेल। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि वो सेल ही है जो किसी भी मैटर को लाइफ देता है। तो जिस भी मैटर में सेल प्रेजेंट है वो मैटर क्या है, लिविंग थिंग, और जिस मैटर में सेल एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप को प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल। सिमिलरली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए जो फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे भी हम कहते हैं सेल। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो कैन यू पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि वायरस जो है वो है ऑड वन। ऑड वन क्यों है, क्योंकि अगर हम प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया की बात करें तो ये तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सेल से बने होंगे। लेकिन अगर हम वही वायरसेस की बात करें तो वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से नहीं बल्कि प्रोटीन से बना होता है। तो अगर ये सेल से नहीं बना है तो ये क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जैसे अगर हम कोरोना वायरस की ही बात करें, आजकल कोरोना वायरस पूरे देश, पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये सभी ह्यूमंस को डैमेज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वायरस एक्चुअली में तो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी भी लिविंग सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरसेस भी नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भी कहा जा रहा है हमें कि हम बाहर, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जैसे ही अगर हम बाहर निकलते हैं और हमारी ह्यूमन सेल्स उस वायरस के कांटेक्ट में आएगी तो वो वायरस हमारे सेल्स के अंदर हाईजैक कर लेगा हमारे सेल्स को, हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा और एक नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से लिविंग एक्टिव ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए स्टे एट होम एंड बी सेफ। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये सीखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल्स। मींस अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इस फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पे एक सेल बनाया है मैंने जो कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। इट मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल का बना है और यही एक सेल रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन वहीं अगर दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डाइजेशन परफॉर्म कर रही हैं। इट मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं।
इस टाइप के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इट मींस सेल्स का उनके फंक्शंस को लेके डिवीजन हो चुका है कि कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करेंगी तो कुछ सेल्स अदर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। इस टाइप के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन केस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक सिंगल सेल रहेगी जो कि सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही होगी। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। प्लांट्स में क्लेमाइडोमोनॉस होता है जो कि एक सिंगल सेल से बना होता है। एनिमल्स की बात करें तो बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा, आप सभी को पता होगा, वो केवल एक सेल से बना होता है और वही सेल इसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सिमिलरली अगर हम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि केवल एक सेल से बना होता है। तो वहीं अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि मिलता है मल्टी सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इन केस ऑफ दिस अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे कि हमने अपने फिगर में भी देखा था। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमंस और प्लांट ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म में नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स मिलती हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, मैंने सेल्स लिखा है, सेल्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अगर सेल से एक ज्यादा सेल से बॉडी बनी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये पता है कि नर्व सेल्स, जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया नर्व सेल्स का फंक्शन। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे ग्रुप ऑफ सेल की बात करें, जैसे कि ब्लड सेल्स जो कि ह्यूमंस में होते हैं, तो ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सर्कुलेशन करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्या मिलता है, वैस्कुलर टिश्यूज, इसे हम वैस्कुलर सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर वैस्कुलर टिश्यूज भी बोल सकते हैं। तो ये भी सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लांट्स मोस्टली बेसिकली क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, मतलब स्टेशनरी हैं और फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो डायनेमिक होते हैं, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उन्हें अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही लेस वर्क करना होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए प्लांट्स को, क्योंकि लेस वर्क करना है, इसलिए उसको एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लेस, यानी कि उसको फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लेस एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन एनिमल कंपैरेटिवली कंज्यूम्स मोर एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस कंपैरेटिवली टू दी प्लांट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिविंग सिस्टम सेल्स की बात करें तो क्योंकि प्लांट्स में लेस एनर्जी चाहिए, तो इसलिए उसकी जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं, और कुछ सेल्स उसकी क्या होती हैं, लिविंग। वहाँ पे डेड सेल्स क्यों होती है, क्योंकि प्लांट्स को स्टैटिक कंडीशन चाहिए, मतलब उसको फिक्स पोजीशन चाहिए, उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, डेड सेल्स। लेकिन वही अगर अदर लिविंग सेल्स की बात करें तो बाकी जितने भी फंक्शंस, एक्टिवली फंक्शंस जो परफॉर्म करनी है, वो कौन परफॉर्म करती है, लिविंग सेल्स। लेकिन अगर वही हम एनिमल्स की बात करें तो क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ये ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, लिविंग सेल्स, इसलिए एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो डेड सेल्स होंगी प्लांट में, वो क्या करेंगी, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि प्लांट एक जगह खड़ा हो सके। लेकिन जो लिविंग सेल्स होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट लिविंग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, वो प्लांट्स को उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगी, उसके सपोर्ट में हेल्प करेंगी, प्लस उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी हेल्प करेंगी। तो ये था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात और ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्लांट्स को मोर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसकी जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स होती हैं वो किस कंडीशन में होती है, डेड कंडीशंस में, मतलब उसमें ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और ना ही उसमें साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। लेकिन वही अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होते हैं और प्लस साइटोप्लाज्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग सेल्स। सो स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में ही पढ़ना होता है, और इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ही अच्छे से डिस्कस करेंगे।
क्योंकि अगर यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए एनिमल टिश्यूज़ के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और रीडिवाइड करने की, लेकिन वहीं अगर परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो वो टिश्यूज़ हैं जो कि इन्हें मैच्योर सेल भी कहते हैं, प्लस इनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की। तो आइए बात करते हैं पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में क्या होता है। वो सेल्स जो डिवाइड करें और रीडिवाइड करें, और बेसिकली इनका काम क्या होता है, डिवाइड और रीडिवाइड करके ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये टिश्यूज़ हेल्प करते हैं। और परमानेंट टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये मैच्योर सेल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ का ओरिजिनेशन बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है, मतलब जब कुछ समय के बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो उस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेल डिफरेंशिएशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई भी परमानेंट टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन बाई एनी काइंड ऑफ टिश्यूज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को उनकी पोजिशन के बेसिस पे तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं ALI, इट मीन्स अली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज अली, ए इज फॉर एपिकल टिश्यूज, एल इज फॉर लेटरल एंड आई इज फॉर इंटरकैलरी। तो अब परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इनका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये डिसाइड करता है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिंपल सिंपल मतलब बिल्कुल सेम टाइप ऑफ सेल्स से बने होंगे, उसकी जितनी भी सेल्स होंगी उनका साइज शेप सब सेम रहेगा। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये ऐसे नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने होंगे, मतलब दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसमें जितने भी टिश्यूज आएंगे उनकी जो सेल्स होंगी उनका शेप भी डिफरेंट होगा, उनका साइज भी डिफरेंट होगा, उनका कुछ स्ट्रक्चर्स बेसिस और फंक्शन बेसिस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो आइए पहले हम बात करते हैं सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज की। सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज में बेसिकली फोर टाइप ऑफ टिश्यूज आते हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला टिश्यूज है पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है कॉलेनकाइमा टिश्यू, थर्ड वन इज स्केलेरेनकाइमा टिश्यू एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव सिंपल टिश्यूज। क्या बोला मैंने, पैरेन्काइमा टिश्यूज, कॉलेनकाइमा टिश्यूज, स्केलेरेनकाइमा टिश्यूज एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि IAS और PCS एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, IAS एंड PSC ऑफिसर्स होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं PCS, दैट इज PCS ऑफिसर्स, और ये ऑफिसर्स फुल प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं, अपने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं, तो आप याद कर सकते हैं PCS ऑफिसर्स प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्शंस के साथ चलते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ये फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज हैं, दैट इज P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कॉलेनकाइमा, S फॉर स्केलेरेनकाइमा, तो PCS एंड P फॉर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, तो ये हो जाएगा PCS प्रोटेक्टिव। एंड अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें जो कि बहुत डिफरेंट वेरिएशन ऑफ सेल्स से बने होते हैं, तो ये टिश्यूज में सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यूज और दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यूज। तो ये टोटल अरेंजमेंट थी प्लांट टिश्यूज की जो कि आपको बता रही है कि किस तरह से प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं और ये इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स ये थी प्लांट्स में मिलने वाले टिश्यूज के डिविजन्स। तो अब हम बात करेंगे इन सभी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के बारे में डिटेल में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना कि मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज ALI, अली, दैट इज ए फॉर एपिकल मेरिस्टेम, L इज फॉर लेटरल मेरिस्टेम एंड I इज फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अगर हम पहले इस प्लांट के फिगर को फोकस्ड करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसकी दो पोजीशंस लोकेटेड हैं,
एक तो है टॉप पर, दूसरा है बॉटम पर, जिसको मैंने ब्लू कलर्ड से शो किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एपिकल सेल टॉप पर प्रेजेंट होती है, टॉप पर यानी कि एपिक्स पे प्रेजेंट होती है, टॉप एपिक्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो मेरिस्टेम या जो एपिकल मेरिस्टेम बॉटम पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, डिवाइड करना और रीडिवाइड करना, और ये रीडिवाइड करके क्या करती है, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगी तो क्या करेगी, ये प्लांट्स के अपवर्ड ग्रोथ को हेल्प करेगी। लेकिन अगर भाई हम रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये क्या करेगी, डिवाइड करके रूट्स के ग्रोथ को, डाउनवर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो ये तो हो गया रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये प्लांट पे मैंने इसको स्टेम के लेटरल साइड्स पे, इस साइड्स पे शो किया है, साइडवेज पे मैंने इसको शो किया है। और इस मेरिस्टेम का काम क्या होता है, डिवाइड करके स्टेम के साइडवेज को ग्रोथ में हेल्प करना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर की मेरिस्टेम है, जो कि प्लांट के स्टेम को राइट और लेफ्ट डायरेक्शंस में ग्रोथ में हेल्प कर रही है। अब लास्ट क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बेसिकली जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है वो प्लांट्स के नोडल रीजन पे प्रेजेंट होती है। नोड्स क्या होते हैं बच्चों, नोड्स वो रीजन होता है जहाँ से किसी भी स्टेम के ब्रांचेस अराइज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो रीजन जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं, लीव्स के पेटियोल्स अराइज होते हैं, ठीक है। तो उस पोजीशन पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इनका काम क्या होता है, ये डिवाइड करके ब्रांचेस की लेंथ के ग्रोथ में हेल्प करती हैं या फिर लीव्स के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो आइए हम इसको एक डिमॉन्स्ट्रेट करके इस फिगर के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे प्लांट लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे इसका जो एपेक्स पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रीजन, ठीक है। ये टिश्यू क्या करेगा, इस प्लांट के, प्लांट को लेंथ वाइज अप एंड डाउन ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। अब सेकंड, अगर हम इस प्लांट पे फोकस करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये जंक्शंस हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नोडल रीजन पे कौन से टिश्यूज होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज। वो नोड क्या होते हैं, वो बेस होते हैं, लीफ बेस होते हैं, जहां से लीफ अराइज होते हैं या फिर जो न्यू ब्रांचेस अराइज होते हैं। तो इस नोड पर कौन से रीजन, कौन से टिश्यूज मिलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज इस नोडल रीजन पे जो लीफ अराइज हुआ है उसके लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे या फिर उसके ब्रांचेस की ग्रोथ को हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस प्लांट में बहुत सारे नोडल रीजन दिख रहे हैं। तो इस नोड्स के बीच में जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। इस इंटर नोडल रीजन पे ही कौन सी टिश्यू मिलती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलती हैं। और ये क्या करती हैं, प्लांट के विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो प्लांट लिया है, एक जो कि अभी अभी ग्रोइंग स्टेज में है और एक जो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस इजिली देख पा रहे हैं कि इसकी स्टेम कितनी पतली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ की स्टेम की जो विड्थ है, जो थिकनेस है, वो इससे बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दी लेटरल ग्रोथ। और ये लेटरल ग्रोथ क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, जो कि हमें मिलती है इंटर नोडल रीजन में। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं तीनों ग्रो टिश्यूज की कंपैरेटिव स्टडीज। तो जैसे कि लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट के रूट एंड शूट टिप्स पर। लेकिन अगर वह लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो वो प्रेजेंट होती है ऑन द साइड ऑफ द स्टेम एंड ऑन द साइड ऑफ द रूट। इंटर नोडल रीजन पर लेटरल मेरिस्टेम मिलती है। कैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ बेस एंड नोडल रीजन ऑफ द प्लांट। तो ये बात होगी लोकेशन की। सेकंड, इनका फंक्शन क्या होता है, तीनों ही ग्रोथ टिश्यूज हैं। तो देखते हैं एपिकल क्या करती है। एपिकल दे अंडरगो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करेंगी एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। लेकिन अगर वही लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो दे अंडरगो द सेल डिवीजन एंड इंक्रीजेस द डायामीटर और गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट, दैट इज दे हेल्प इन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जैसे अगर आप कोई छोटा पौधा लगाएं और उसी
पौधा जब वो बड़ा हो जाता है, एक पेड़ बन जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उसके स्टेम और रूट्स के विड्थ में डिफरेंस आ जाता है। तो ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ दी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो देयर ऑल्सो अंडर गो सेल डिविजन एंड हेल्प्स इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लीव्स और ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ब्रांचेस। ओके, थर्ड क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर कि एपिकल मेरिस्टेम जो भी ग्रोथ करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, इसलिए इस स्टेम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी ग्रोथ करती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, और इसलिए उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन अगर वहीं हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, जो कि लेटरल मतलब जो लेट में हो रही है, मतलब बाद में हो रही है, बाद मतलब सेकेंडरी, तो ये क्या करती है? ये ऐसी ग्रोथ करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि लेटरल टिश्यूज को ही सेकेंडरी टिश्यूज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकेंडरी मतलब बाद में जो ग्रोथ होती है, जो लेट में होती है, जो बाद में होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो कि एक मैच्योर सेल्स होते हैं और अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर चुके होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं प्लांट में? परमानेंट टिश्यूज। तो हमने अपने पहले वाले प्रीवियस क्लिप्स में देखा था कि परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में चार टाइप्स के टिश्यूज थे, दैट इज पीसीएस, प्रोटेक्टिव, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव। और वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो टिश्यूज थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको इस क्लिप में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस टिश्यूज, इन सारे परमानेंट टिश्यूज को और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है उसे हम और क्या बोलते हैं? डर्मल टिश्यूज। जिसमें कौन से टिश्यूज आते हैं? बेसिकली एपिडर्मिस, जो कि प्लांट के आउटर कवरिंग को फॉर्म करते हैं, स्किन लेयर को फॉर्म करते हैं कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो सिंपल टिश्यूज के स्टार्टिंग के जो तीन थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, उसे हम और क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और ये तीनों सेल्स या टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द प्लांट सेल। अब वहीं अगर हम जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो उसे हम वेस्कुलर टिश्यूज का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इट मींस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज, ये तीनों मिलके परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज को हम और भी तीन डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का पार्ट हो जाएंगे, और ग्राउंड टिश्यूज और डर्मल टिश्यूज किसका पार्ट हो जाएंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पार्ट हो जाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सारे परमानेंट टिश्यूज के जितने भी वेरियस टाइप्स हैं वो किस ऑर्डर में किसी भी प्लांट के शूट या रूट में अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आउटर डर्मल जो सेल्स होती है वो होती है एपिडर्मिस, जिसको हम प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज ही बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एपिडर्मल सेल के बाद जो लेयर आती है सेल की, वो होती है कोलेन्काइमा टिश्यूज या कोलेन्काइमा ग्रुप ऑफ सेल्स। कोलेन्काइमा के बाद कौन सी सेल ग्रुप ऑफ सेल्स आती है? पैरेन्काइमा। आफ्टर पैरेन्काइमा स्केलेन्काइमा सेल्स आती है, एंड देन आफ्टर स्केलेन्काइमा फ्लोएम एंड जाइलम सेल्स अरेंज होती है। एंड स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है, ये सभी टिश्यूज जो हैं वो फ्रॉम, इनका जो अरेंजमेंट है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आते हुए इन सेल्स का ये अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। इस फिगर में भी आप इस सारे अरेंजमेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस फिगर का, तो देखते हैं इस डायग्राम का एनलार्ज व्यू। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एपिडर्मल, जो कॉम्प्लेक्स, जो परमानेंट टिश्यूज होती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं वो सबसे आउटर मोस्ट सेल लेयर होती हैं किसी भी प्लांट सिस्टम का, और जो जाइलम सेल्स होती हैं वो इनर सेल सिस्टम की लेयर होती हैं जो कि किसी भी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट में जो भी सारे वेरियस टिश्यूज होते हैं वो किस तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखते हैं। तो अगर हम इस फिगर पे फोकस करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो ये लेयर है
ठीक है, जो कि ग्रीन कलर मैंने कलर्ड की है, उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मल टिश्यूज़। इसका सबसे कॉमन नेम क्या होता है, एपिडर्मिस। और जैसे जैसे हम एपिडर्मिस से अंदर आएंगे, तो जो आपको ये ग्रीन सेल्स नज़र आ रही हैं इनवर्ड की तरफ, वो क्या होंगी हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कोलेनकाइमा सेल्स होंगी। कोलेनकाइमा के बाद जो आपको ये लाइट ग्रीन कलर के जो सेल्स नज़र आए, जो कि लूजली पैक्ड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यूज़। पैरेनकाइमा टिश्यूज़ के बाद जो सेल्स हमें मिल रही हैं, जो कि ब्राउन कलर मैंने दिखाया है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़। बच्चों, ये स्केलेरनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो प्लांट्स के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, उस सेल टाइप ऑफ सेल्स में ये अरेंज होती हैं ये सारे टिश्यूज़। ठीक है, तो इन ये तीनों सेल्स मिलकर कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाती हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डेवलप करती हैं। अब स्केलेरनकाइमा के जैसे ही हम अंदर इनवर्ड मूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको अगेन एक सेल्स दिख रही हैं, जो कि ऑरेंज और येलो कलर से मैंने दिखाया है, वो एक्चुअली कौन से टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, जिनका काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन करना। ट्रांसलोकेशन मतलब दे हेल्प्ड इन ट्रांसलोकेटिंग द फूड एंड मिनरल्स टू द प्लांट सिस्टम। अब और इनवर्ड, सबसे लास्ट इनर मोस्ट टिश्यू सिस्टम की बात करें, तो वो कौन सी सेल्स हैं, जाइलम की सेल्स होती हैं। दोनों मिलके क्या बनाती है, वैस्कुलर टिश्यूज। और जाइलम सेल्स का काम क्या होता है, प्लांट में पानी और मिनरल्स, दैट इज वाटर और मिनरल्स को सर्कुलेट करना। तो ये था ओवरऑल टिश्यू सिस्टम का व्यू। तो स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं इन सभी परमानेंट टिश्यूज के स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं और फंक्शनल बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यूज आती है, वो होती है पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो इन सभी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने के लिए मैंने इनके पॉइंट्स को मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो इनके शेप को बताएगा, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा वो इनके स्ट्रक्चर्स को बताएगा, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो इनके नेचर को बताएगा। मतलब जो स्टार्टिंग के फोर्थ पॉइंट, जो चार पॉइंट्स होंगे वो शेप, स्ट्रक्चर एंड नेचर को कवर करेंगे, और बाकी के जो पॉइंट्स होंगे वो उनके लोकेशन, फंक्शन और रिप्रेजेंटेशन को कवर करेंगे। तो इसी बेसिस पे, इसी सिक्स क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि दिस टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला परमानेंट टिश्यूज होता है किसी भी प्लांट सिस्टम में। तो ओके, अगर इसके हम शेप की बात करें, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि पैरेनकाइमा के टिश्यूज जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के होते हैं, नियरली स्फेरिकल शेप में होते हैं। और इन सेल्स के अंदर के डायग्राम की बात करें, तो इनमें क्या मिलती हैं, एक इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन सेल वॉल्स आर देयर, और इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग सेल पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैं टिश्यू पढ़ा रही हूँ, तो इस वजह से आपको वैक्यूल्स, सेल ऑर्गेनल का फंक्शन तो मालूम ही होगा। और अगर नहीं मालूम है, तो इसका बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम करता है ये वैक्यूल किसी भी सेल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि क्या बताता है, दैट इन दिस टाइप ऑफ सेल्स लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो ये दोनों पॉइंट्स किसको बता रहे हैं, इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। तो ये तो बात होगी शेप और स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेल की नेचर की, कि जो इसका सेल होता है वो लिविंग होगा या फिर डेड होगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई सेल लिविंग है, मतलब उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और अगर वो सेल डेड है, तो वो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं, वो केवल सेल वॉल से कवर्ड है। तो हमें ये पता है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, उसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स भी होती हैं। लेकिन जो डेड सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, केवल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज क्या है, एक लिविंग टिश्यू है, मतलब इसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और प्रोटोप्लाज्म भी होगा। तो ये तो हो गया इसका सेल नेचर। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ये सारे टिश्यूज मिलते कहाँ हैं। तो बेसिकली ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स को कवर करती हैं, ताकि वो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, फ्लावर हो या फिर फ्रूट हो, हर जगह ये टिश्यूज हमें मिलती हैं। तो अभी तक हमने देखा पैरेनकाइमा के शेप, स्ट्रक्चर, नेचर और लोकेशन के बारे में। अब इसके हम बात करते हैं फंक्शन और रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगर हम पैरेनकाइमा टिश्यूज के फंक्शंस की बात करें, तो इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज एंड सपोर्ट। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पैरेनकाइमा में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज्ड के होते हैं, उनका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज। ओके, और बाकी इसका काम क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। तो फंक्शन हो गया इसका फूड स्टोरेज एंड सपोर्ट सिस्टम। मैं नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। अगर इसी पैरेनकाइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं,
क्लोरेन काइमा. क्या नाम देते हैं? क्लोरेन काइमा. तो बेसिकली क्लोरेन काइमा टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? दे प्रिपेयर्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और इस टाइप के टिश्यूज क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. अब हमें ये भी पता है कि कुछ प्लांट्स एक्वेटिक इन नेचर भी होते हैं, ठीक है? तो एक्वेटिक इन नेचर्स होते हैं, तो अगर इन्हीं पैरेन्काइमा टिश्यूज में एयर स्पेसेस आ जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा. क्या नाम दिया? एरेन्काइमा. ये दोनों पैरेन्काइमा का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फंक्शन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा. एरेन्काइमा का काम क्या होता है? एरेन्काइमा टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट हैव एयर इन स्पेसेस विच अलाउ फ्लोटिंग इन वाटर. जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि वाटर पर फ्लोट करते हैं, तो वो फ्लोट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनमें एयर स्पेसेस होती हैं, जिनको इसलिए इनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं, और ये हेल्प करते हैं उस प्लांट को वाटर पे फ्लोट करने के लिए. तो ये तो हो गए पैरेन्काइमा के फंक्शंस, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो हमने ऑलरेडी इसके सारे पॉइंट्स कवर अप कर चुके हैं कि ये प्लांट दिखता कैसे है और इनके स्पेस कैसे हैं. तो हमने पहले पढ़ा था कि ये प्लांट कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका फिगर कैसा है, स्फेरिकल इन शेप. अब हम सेल के अंदर को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. और जो ये लास्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर है सेल के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल. तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी सेल में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग सेल्स, ठीक है. तो इससे ये डिफाइन होता है कि इसका शेप सर्कुलर है, प्लस ये इसका नेचर कैसा है? लिविंग. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इसमें वैक्यूल्स कैसे होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स मिलते हैं जिनका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज करना. और एक और बात, क्योंकि प्लांट सेल्स है तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल मिलती है, तो यहाँ पे सेल वॉल का नेचर कैसा है? थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट, जो कि केवल सेल्यूलोज से ही बनी होती है. एंड द लास्ट थिंग, इन सभी सेल्स के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस लार्ज होती है, यानी कि ज्यादा मिलती है. तो अभी तक हमने पढ़ा पैरेन्काइमा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा के बारे में, उसी सेम सिक्स क्राइटेरिया के बेसिस पे. क्या थे वो सिक्स क्राइटेरिया? शेप, स्ट्रक्चर, नेचर, लोकेशन, फंक्शन एंड रिप्रेजेंट. तो क्या है वो सिक्स क्राइटेरियाज? पहले के जो थ्री क्राइटेरियाज है, दैट इज शेप, स्ट्रक्चर, नेचर, और लास्ट के जो थ्री क्राइटेरियाज है वो है लोकेशन, फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. तो पहले हम बात करते हैं पहले थ्री क्राइटेरियाज के बारे में कोलेन्काइमा के लिए. तो कोलेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली स्फेरिकल भी होती हैं और मोस्टली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं. इलोंगेटेड मतलब स्फेरिकली इलोंगेटेड होंगी, इस तरह से, ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? वेरिएबली थिक होती हैं. मतलब किसी के सीजन पे वो थिक होंगी तो कहीं वो थिन मिलेंगी, फिर कहीं वो थिक होंगी और कहीं वो थिन मिलेंगी. और इसमें भी क्या होती है? इनकी भी सेल स्पेस क्या होती है? इन बिटवीन लेस होती है. मतलब ज़्यादा सेल स्पेस देखने को हमें नहीं मिलती है. लेकिन अगर वही इनके नेचर की हम बात करें तो इनके नेचर कैसा होता है? सेल्स आर लिविंग. लिविंग मतलब इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे और लार्ज वैक्यूल भी देखने को मिलता है. कुछ इस तरह से ये कोलेन्काइमा के सेल्स दिखती हैं. तो ये तो बात हो गया इनके शेप का, स्ट्रक्चर का और नेचर का. अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये कोलेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट कहाँ होती हैं. तो पैरेन्काइमा की तरह ही कोलेन्काइमा सेल्स भी हर प्लांट के सेल्स को, हर प्लांट्स के एरियाज को कवर करती हैं. लेकिन इनकी बेसिक पोजीशन की बात करें तो ये जस्ट एपिडर्मल सेल के अंदर मिलती है. मतलब जस्ट एपिडर्मल सेल के बाद मिलती है, दैट इज बिलो द एपिडर्मल सेल. तो अब हम बात करते हैं कोलेन्काइमा के बेसिक फंक्शन के बारे में. फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो इसका फंक्शन होता है, दैट कोलेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टेंड्रल्स एंड स्टेम ऑफ द क्लाइंबर्स, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी टेंड्रल्स को या फिर स्टेम ऑफ द क्लाइंबर्स को. जैसे कि अगर हम सपोज इस प्लांट की हम बात करें, इस लीफलेट की हम बात करें, तो जो इसका ये पेटियोल जो बेस है, अगर इसको हम ऐसे ऐसे मूव कराएं तो ये बेसिकली इसका क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है. और इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है क्योंकि ये मूव कराने पे ये टूट नहीं रहा है. तो बेसिकली ये किस मूवमेंट जो है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किस टिश्यू की वजह से हो पा रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेन्काइमा टिश्यूज. तो इनका काम बेसिकली यही होता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं टेंड्रल्स और
क्लेम्बर सिस्टम्स में। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनका सेल कैसा होता है, एलोंगेटेड होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो कहीं कहीं पे इररेगुलरली थिक होती हैं, और जो क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं तो इसमें भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स मिलेगा। और बट द लास्ट थिंग इज दैट कि इन सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज स्केलेरेन्काइमा। तो अगेन सेम द फर्स्ट थ्री क्राइटेरियाज, दैट इज शेप, स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो शेप की बात करें तो बेसिकली इनका जो शेप होता है वो बहुत डिफाइंड नहीं होता, उनका शेप बहुत ही वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस जो इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। थिक मतलब किस चीज़ से बना होता है, उसमें लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी डिपोजिशन होती है उनके सेल वॉल पे, इसलिए उनके सेल वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये लिग्निन की वजह से वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है ये टिश्यूज़ को, और ये काम होता है बेसिकली इसके लिग्निन जो इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो सेल की स्पेस होती है उसमें कोई भी स्पेस नहीं मिलती, दैट इज नो स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इंटरसेलुलर सेल्स। तो ये तो बात होगी शेप और स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें इसके सेल नेचर की, तो क्योंकि कोई भी वैक्यूल्स नहीं, मतलब इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, तो अगर ना ऑर्गेनल्स मिलेंगे ना कोई न्यूक्लियस मिलेगा तो इसका सेल का नेचर कैसा हो जाएगा, डेड, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो बेसिकली स्केलेरेन्काइमा के टू टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं फाइबर्स, दूसरे को बोलते हैं स्केलेटेट्स। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, डेड इन नेचर होते हैं। तो ये बात हो गई शेप, स्ट्रक्चर एंड नेचर की। अब अगर इसके हम लोकेशंस की बात करें तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि जो जितने भी डेड सेल्स होते हैं प्लांट में, पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जनरली किस रीजन पे मिलेगा, वो रीजन पे मिलेगा जो कि प्लांट्स के ज़्यादा हार्ड पार्ट होते हैं, जो कि प्लांट के हार्ड पार्ट होते हैं, जैसे कि वुड, बार्क रीजन, नट शेल्स, सीड कोर्ड्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट। और आपने और भी देखा होगा कि जो स्टेम और वेंस, जहाँ जो कि लीव्स की बहुत हार्ड होती हैं, वहाँ पर भी किसकी डिपोजिशन होती है, स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यूज की डिपोजिशन होती है। लोकेशन पढ़ने के बाद हम इनका बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्योंकि ये सेल वॉल इनकी जो होती है बहुत ही थिक होती है, तो इनका बेसिक और डेड होती है तो इनका सेल्स, तो इनकी जो बेसिक काम क्या हो जाएगा, इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, दैट इज दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, दैट इज रिजिडिटी टू द प्लांट सिस्टम, ताकि प्लांट लॉन्गर टाइम के लिए अपने स्ट्रेंथ को रिटेन कर सके। अब अगर हम की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स का कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्मॉल साइज है, कोई लार्ज साइज सेल्स है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनका सेल का जो शेप होता है वो बहुत ही डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी जितने भी सेल वॉल्स हैं वो बहुत ही थिक हैं, मतलब उनमें किस चीज़ का डिपोजिशन है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स है, उसमें किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं दिख रहा, बस एक खाली हमें ल्यूमन दिख रहा है, एक होल दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी ल्यूमन। उसमें कोई भी लिविंग कंटेंट नहीं है, केवल सेल वॉल प्रेजेंट है सेल्स में और कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट दिस टाइप ऑफ सेल्स आर डेड इन नेचर। अब हम लास्ट कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एपिडर्मल टिश्यूज, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सेल लेयर होता है किसी भी प्लांट सिस्टम का, जैसे हमारी स्किन होती है जो कि आउटर मोस्ट होती है बिल्कुल हमारे सेल्स हमारे बॉडी की, उसी तरह से प्लांट की जो बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। इसको हम और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो आइए पहले बात कर लेते हैं इसका शेप कैसा होता है। शेप बेसिकली एपिडर्मल टिश्यूज का क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, मतलब फ्लैट शेप आर प्रेजेंट फॉर द एपिडर्मल टिश्यूज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी जो सेल वॉल होती है वो आउटर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, थिक इन नेचर होती है। प्लस इसमें जो सेल्स बिटवीन सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो बिल्कुल कोई भी गैप नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर देयर। क्यों नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि इनकी जब सेल वॉल थिक हो जाएगी, तो किसी भी दो सेल की अगर सेल वॉल हम थिक कर रहे हैं तो उसमें जब थिकनेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका जो स्पेस हो जाएगा वो उस थिकनेस से कवर हो जाएगा, तो इससे अंडरस्टूड है कि इसमें कोई भी स्पेस हमें नहीं मिलेगा। सेकंड अगर इसके हम थर्ड पॉइंट क्राइटेरिया की बात, दैट इज नेचर। तो नेचर में क्या होता है, दैट दीज सेल्स आर लिविंग। तो अगर लिविंग है तो मतलब क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स।
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया, दैट इज लोकेशन। तो एपिडर्म जिस तरह से हमारी स्किन हमारे पूरे बॉडी को कवर की है, उसी तरह से ये एपिडर्मल टिश्यूज भी प्लांट के पूरे बॉडी को कवर कर रहेंगे। मतलब दे कवर्स द स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, मतलब होल प्लांट पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज फंक्शन। तो एपिडर्मिस का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लाइक एपिडर्मिस सबसे पहले इसका फंक्शन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये प्लांट के स्किन लेयर में एज अ स्किन लेयर काम करती है और उसको क्या करती है, इन आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसका जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन किसका करती है, वाटर और मिनरल्स की। जो एपिडर्मल की सेल्स रूट सिस्टम्स में प्रेजेंट होंगी वो क्या करेंगी, वाटर और मिनरल्स को सॉयल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस इनका काम कैसा हो गया, एब्जॉर्प्शन का भी काम हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन इनका काम कैसा है, गैसेस एक्सचेंज करना। तो हमें ये पता है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होते हैं, थ्रू द स्टोमेटा। इट मीन्स एपिडर्मल सेल लेयर में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है जो कि गैस को एक्सचेंज करने में, CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसलिए इनका एक और काम क्या हो गया, गैस को एक्सचेंज करना। द लास्ट फंक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्सेस वाटर को वो लॉस करते हैं, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि हमेशा प्लांट एक कंट्रोल्ड ट्रांसपिरेशन सिस्टम को ही डेवलप करता है, क्योंकि अगर वो अनकंट्रोल्ड होगा, अगर किसी भी बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए एपिडर्मल टिश्यूज़ का ये भी काम होता है कि वो ध्यान दें कि किस तरह से कंट्रोल्ड ट्रांसपिरेशन फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रही है। ओके, तो अब हम लास्ट पॉइंट क्राइटेरिया की बात करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एपिडर्मल सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने इस फिगर में दिखाया है। तो अगर हम इस सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम देख पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल कैसी होती है, फ्लैटेंड। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसका जो शेप है वो फ्लैटेंड है बिल्कुल, प्लस इसकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये सेल वॉल जो इस सेल की है वो थिकनेस है और किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से कवर है। साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर एपिडर्मल सेल जो लेयर है, इसमें बीच में ग्रीन कलर का एक मैंने स्टोमेटल रीजन दिखाया, जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, जो कि गैसियस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को रिलेट करते हुए स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यूटिकल प्रेजेंट है एज अ थिक सेल वॉल, जिसका काम क्या हो जाएगा, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी जानते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक और लेयर की कोटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं वैक्सी लेयर की कोटिंग, जो कि उस प्लांट को डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने इसका फंक्शन पढ़ा है, दैट इज़ गैसेस को एक्सचेंज करना। तो ये गैसेस को एक्सचेंज किसके थ्रू करेगा, थ्रू द स्टोमेटल सेल्स के थ्रू करेगा, जो कि इस एपिडर्मल रीजन पर ही मिलती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है, वाटर लॉस। तो ये वाटर लॉस भी थ्रू स्टोमेटल सेल से ही, इसकी हेल्प के थ्रू ही स्टोमेटल रीजन से ही वाटर को लॉस करेगा, लेकिन कंट्रोल्ड वे में करेगा। ओके, और नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, दैट इज एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन करना, वाटर और मिनरल्स का। तो हमने ये देखा है कि जो एपिडर्मल लेयर रूट्स में प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें रूट हेयर्स मिलेगा, जो कि रूट एपिडर्मस में प्रेजेंट होगा, और ये रूट हेयर्स सॉयल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो रूट हेयर्स है वो प्रेजेंट होते हैं रूट एपिडर्मिस में, और जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल एपिडर्मिस में, दैट इज शूट या फिर लीफ एपिडर्मिस में। तो ये था ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज का। तो अब आइए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी स्टडीज़ की परमानेंट टिश्यूज़ की, वो क्या थी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, मतलब वो एक ही टाइप के सेल से बनी हुई सारी टिश्यूज़ थी। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही रेफ़र किया था कि नाम से भी क्लियर है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी, ये टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिल के बने होंगे। तो इसमें दो टाइप्स थे, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए थे, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो दैट टिश्यूज, दैट इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट सेल्स। ओके, तो कौन कौन से वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स,
जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम स्केलेरनकाइमा। स्केलेरनकाइमा को जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। ओके, ये थे जाइलम के फोर डिफरेंट सेल्स। अब वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फाइव डिफरेंट सेल्स को मिला के वो फ्लोएम टिश्यूज बनता है। कौन कौन से वो सेल्स होती हैं? दैट इज सीव ट्यूब्स, सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ओके, तो अब इसके हम एक एक करके इसके नेचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो जाइलम है वो फोर डिफरेंट सेल्स से बना है, लेकिन इसमें जाइलम पेरेनकाइमा ही केवल क्या है, एक लिविंग इन नेचर है। दैट इज उसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन जाइलम ट्रैकीड्स की बात करें, वेसल्स की बात करें और स्केलेरनकाइमा या फिर जाइलम फाइबर्स की बात करें, तो ये तीनों का नेचर क्या होता है, डेड होता है। अब ये क्यों होता है, इसकी बात अब इस पर हम बात थोड़ी देर में करेंगे। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी जितने भी फाइव डिफरेंट सेल्स है उसमें जो केवल एक सेल है, एक जो सेल है टाइप ऑफ, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, दैट इज ओनली डेड इन नेचर। बाकी रेस्ट ऑफ द फोर आर लिविंग इन नेचर। तो डेड है मतलब इसमें नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म एंड नो प्रोटोप्लाज्म, और अगर लिविंग है तो मतलब इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। ये तो हमने बात कर ली इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। अगर हम इनके फंक्शन पे फोकस करें तो बेसिकली जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज प्लांट के मालगाड़ी हैं। मतलब जाइलम का काम क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, वो खाना को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो अगर हम जाइलम टिश्यूज के फंक्शंस के बेसिस पे इसके सेल पर फोकस करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होती हैं, डेड इन नेचर होती हैं। ओनली वन सेल होती है जो कि लिविंग इन नेचर होती है। तो अगर ये डेड है तो ये पूरा इनका जो सेल ल्यूमन है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी होने की वजह से उसमें जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ईजी होगा और बहुत ही फास्ट होगा। इसलिए जाइलम का नेचर क्या है, डेड, मोस्टली डेड इन नेचर है। लेकिन अगर हम वही फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं वो हमें क्या करती हैं, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और हमें ये पता है कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम सेल्स एटीपी यूज करता है। इट मीन्स दे यूज एटीपी टू एक्टिवली टू मूव द शुगर्स फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इट मीन्स फ्लोएम सेल्स एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। अगर और ये किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में अगर एनर्जी यूज होता है तो उसे हम किस टाइप का ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए फ्लोएम सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। और एनर्जी हमें कौन सी टाइप ऑफ सेल्स दे पाएगी, लिविंग सेल या फिर डेड सेल्स? तो ऑब्वियसली लिविंग सेल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी, दैट इज एटीपी का फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि केवल लिविंग सेल्स में ही मिलेगा। इसलिए फ्लोएम की मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। और एक जो सेल जो कि डेड है, तो बेसिकली डेड सेल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और लिविंग सेल्स का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करना। तो ये तो हमने जान लिया कि जाइलम और फ्लोएम में डेड और लिविंग नेचर क्यों है। तो अभी तक हमने जाइलम और फ्लोएम के सेल स्ट्रक्चर को देख लिया, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जाइलम सेल्स का जो बेसिकली फंक्शन होता है वो क्या होता है, दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जाइलम बेसिकली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। दैट इज उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, यूनिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू द अपर टॉप साइड्स। लेकिन अगर हम वही फ्लोएम टिश्यूज की बात करें तो दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और इनका जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, वो बाई डायरेक्शन होता है। मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, जैसे कि आप इस एरो से भी क्लियर कर सकते हैं। तो जाइलम टिश्यूज का जो डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, वो यूनिडायरेक्शनल है। वो केवल रूट से, दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रूट से हर तरफ प्लांट के अदर पार्ट्स में जाएगा। लेकिन फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसलोकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, वो बाई डायरेक्शनल है। वो टॉप टू बॉटम भी जाएगा और बॉटम वाले जो लीव्स जो प्रिपेयर किए होंगे फूड, वो
अपवर्ड डायरेक्शंस में भी उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन में भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस तरह से जाइलम की जो सेल्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को वन वे डायरेक्शन में ले जा रही हैं। इनकी सेल्स वॉल अगर हम डिस्कस करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक सेल वॉल होती है स्टिप्ड विद लिग्निन, क्योंकि ऑलरेडी लिग्निन सेल वॉल थिक है और लिग्निन दैट इज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इनकी सेल्स होती हैं वो मोस्टली डेड होती हैं। तो अगर डेड होंगी तो उनकी जो सेल वॉल है वो थिक डिपोजिशन में, वो केवल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और वाटर जो है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट फास्ट तरीके से या फास्ट मूवमेंट कर पाएगा सेल्स के थ्रू होते हुए अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। लेकिन अगर हमें फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हमने पढ़ा था कि जो उनकी सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है, लिविंग मतलब वो एटीपी एनर्जीज को प्रोड्यूस करेंगी, और उस एटीपी एनर्जीज को यूज़ करके फ्लोएम सेल्स डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शंस और डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज टू वे फ्लो में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेंगी। तो ये था जाइलम और फ्लोएम का रिप्रेजेंटेशन, जो कि उसके फंक्शंस और रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि किस तरह से प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उस टिश्यू सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट रोल और फंक्शंस हमने क्लियरली जान लिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर अपने फीडबैक प्रोवाइड करें मुझे। प्लस अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और आखिरी में दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे चैनल को मोर देन 5000 सब्सक्राइबर्स देने के लिए, प्लस मोर देन 3 लाख व्यूज तक पहुँचाने के लिए। तो आप सभी का दिल से थैंक यू। मेरे चैनल से जुड़े रहें और मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। Thank you so much.